गुरु ग्रंथ जी मान्या है, प्रगट गुरां की दे। जिन पै अदब ना बानी तारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। गुरु रूप खालसा साह संगत जी, जिमें के परमेश्वर स्वरूप दसों पातशाहियां ने अपने जीवन विच अजर नू जर के दिखाया है, उस प्रकार ही दसों पातशाहियां दे स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अजर नू जर के रखते हैं। चंगी या माड़ी भावना वाले नू उसकी भावना अनुसार फल प्राप्त हुंदा है। जिमें कि गुरु महाराज जी उपदेश करते हैं कि सेवा विचार सहित करनी चाहिए है, जो तुरछ बुद्धि अनुसार महाराज जी के पावन पवित्र स्वरूपां दी सत्कार सहित सेवा संभाल लई कुछ बेनतियां संगतां दे ध्यान हित इस तरह हैं। पावन स्वरूपां दे कुछ अंगां जां जिल्तां दे खराब होण ते अज्ञानता सहित ज्यादातर संपूर्ण स्वरूपां नूं अगन भेट कर दिता जाता है, जो कि बहुत ही दुखदाई है। चाहिदा यह है कि उन्हां पावन स्वरूपां दी जिल्तां अते अंगां दी सेवा करवाउण दा उपराला किया जाए। पंथ नूं होर सेवावां तों इस सेवा नूं मुख करके जानना चाहिदा है। गुरु महाराज जी दे नवे पावन स्वरूपां दी भेटा बहुत ही घट है। इस प्रथाए श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज वल्लों भाई मंझ जी नूं उस समय दे 21 रजत पन भेटा करन उपरांत ही हुक्मनामा साहिब दे दर्शन करन वाली साखी यह साह संग नूं पढ़नी चाहीदी है। पावन स्वरूपां दी घट भेटा भी सेवा संभाल विच कमी दा बहुत वड्डा कारण है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप सत्कार अते निम्रता सहित लियाउण हित पढ़ो। श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी दी सत्कार सहित पोथियां लियाउण वाली साखी, जंगल पाणी जा के इशनान करके अते शरीर दी अपवित्रता समय सने केसी इशनान करके सुचे बस्तर पहन के हाथ पैर चंगी तरह धो के अते सुचे बस्तर नाल खुश्क करके ही महाराज जी दी ताबिया बैठना चाहिदा है। जमीन नू, मोबाइल नू, मूँह आदक नू लगे जा बंदे हथ महाराज जी दे पावन स्वरूप नू लाने योग नहीं हन। पावन स्वरूपां तों पाठ करदे समय अंग हमेशा सज्जे हथ नाल उपरों चक के दोनों हथां नाल सत्कार सहित बदलने चाहिए हैं। श्री सुखमणी साहब जी की बाणी गुटका साहब तो ही पढ़नी चाहिए है। पावन स्वरूप तो रोजाना पढ़न कारण ओह अंग बिरध हो जाते हैं। गुरु महाराज जी के दर्शन करन समय रुमाला साहब अंगां अते गत्यां दे कोनियां विच ना दिता जावे, ता जो कोने खराब ना होण। सुख आसन की सेवा समय किसी अंग विच वट ना पवे, इस बारे विशेष ध्यान रखा जावे अते निशानी वजों अंगा विच कोई वस्तु ना रखी जावे। गुरु महाराज जी दे प्रकाश समय सफेद मुलायम सूती वस्त्र लगा के ही उपर रुमाला साहब लाउणा चाहिदा है। गुरु महाराज जी दे प्रकाश समय जिल्द वाला पल्ला मोड़ के थल्ले नहीं देना चाहिदा। गुरु महाराज जी दे सारे स्वरूप दी समय समय सूती मुलायम वस्त्र नाल इशनान दी सेवा करनी चाहिदी है। सेंट आदक पावन स्वरूपां दे उपर सीधे ना छिड़के जाण। रुमाला साहिब, चंदोआ साहिब अते चौर साहिब जी दी समय समय ते इशनान दी सेवा करनी चाहीदी है। गुरु साहिब जी दे पीड़ा साहिब वड्डे आकार दे होने चाहीदे हन ते चौर साहिब रखण लई अलग स्टूल होना चाहीदा है। गुरु साहिब जी दे सुख आसन वाले पलंग ते कुछ होर ना रख्या जावे। चौर साहिब, पोथी साहिब आदि लई अलग योग प्रबंध किया जावे अते घरां विच वी सुख आसन दा पलंग वड्डा अते अलग होना जरूरी है। जिस स्थान ते एक तो वध स्वरूप होण उत्थे रोजाना बदल बदल के प्रकाश होने चाहिए हैं, ता जो हरेक स्वरूप की सेवा हो सके। गुरु साहिब जी दियां जिल्तां ते चोला साहिब सत्कार सहित पहनाउण लई चोला साहिब ते जिप तणियां की वरतों की जावे, सारे पासों सीता ना होवे। गुरु साहिब जी दे सत्कार हित सुख आसन लई घटो घट दो सफेद सूती बस्तर अते सुख आसन उपरंत सुंदर रुमाला साहिब लगाया जावे। दरबार साहिब विच जोत, धूप, अगरबत्ती
स्टील दे बक्से विच निश्चित समय लई सिर्फ संगत दी हाजरी विच ही लगाई जावे। पालकी पीड़ा ते सुख हसन साहिब उते पखा तारा जां स्विच नहीं होने चाहिए, साइड ते होने चाहिए हन। सुख हसन स्थान ते ज्यादा सुरक्षा लई डक्ट टाइप एसी दी वरतों की जावे। एक पखे दी थां ते दो पखे लोहे दी बाड़ी वाले वारी वारी चलाउण हित पालंग चंदोआ साहिब अते पर्दियां तो दूर करके लगाए जाण। दरबार साहिब विच पहरेदार दी हाजरी हर समय लाजमी होवे, गैर हाजरी समय जिंदे लाए जाण अते विसाह ना कीता जावे। जिस गुरु घर विखे संगतां दी आवाजाई हर समय नहीं है, उस स्थान ते किसी अणसुखावी घटना नूं रोकण हित थड़ा साहिब प्रकाश स्थान दे आले दुआले शीशा लगाउणा योग है, जिस दी उचाई लोड़ अनुसार रखी जा सकती है। जिस जगह ते अणसुखावी घटना वापरे उस पिंड या शहर दे ग्रंथी सिंह समूह कमेटी मैंबरां अते संगतां नूं श्री अकाल तख्त साहिब ते पेश होके मुआफ़ी मंगनी चाहीदी है। जंतरियां विच बारह महा भोग अते विआह दे कार्डां दी गुरबाणी लिख दित्ती जांदी है, जो कि बाद विच रद्दी विच सुट दित्ती जांदी है, जो कि भारी बेअदबी है। अखबारां अते रसालियां विच भी गुरबाणी लिखण तों संकोच कीता जावे। महाराज जी दे पावन सरूपां दी छपाई विच कोई गलती दी सुधाई गुरमत मर्यादा अनुसार देग सजा के पंज सिंह महाराज जी नूं अरदास करन, उपरंत संबंधित सुधाई दूसरे सरूपां तों दर्शन करदे होए बहुत ध्यान हित करन। गुरता गद्दी ते सुभायमान दमदमा साहिब वाले महाराज जी दे पावन सरूप जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप लिखवाए हन, उन्हां दे पाठां विच किसे नूं भी फर्क पाउण दा कोई हक नहीं है। साध संगत जी, इस बाबत तुसीं बाबा राम राय जी दे गुरबाणी विच एक अक्खर दे फर्क पाउण ते गुरु हर राय साहिब जी तों बेमुख होण दी साखी पढ़ सकदे हो। पावन सरूपां दे अंगां दी संभाल हित लोड पैण ते सैलो टेप दी थां ते डॉक्टर टेप JMS कंपनी दी ही ध्यान नाल वरती जावे। दरबार साहिब विच चूहियां दी रोकथाम लई योग प्रबंध कीते जाण अते गुरु घरां विच अग बुझाउण वाले यंत्र लाजमी रखे जाण, जिन्हां दा समें समें मुआयना कीता जावे। एक दुष्ट पापी व्यक्ति पूरे गुरु जी दी बेअदबी करके अपने सिर वज्र पाप उठाउंदे हन। एक मूर्ख व्यक्ति इस संबंधी वीडियो पा पा के अपनी मूर्खताई दा सबूत दिंदे हन, जिस नूं कि श्रोमणी कमेटी जां होर धार्मिक संस्थावां वल्लों रोकण दा उपराला करना चाहीदा है। जिहड़े घरां जां स्थानां ते गुरु महाराज जी दी सेवा करन तों असमर्था है, वह श्रोमणी कमेटी जां लोकल गुरद्वारा साहिब नूं जा के सूचित करन दी किरपालता करन। जिहड़ियां दास ने बेनतियां कीतियां हन इन्हां तों अलावा भी महाराज जी दे सत्कार हित संगत वल्लों होर उपराले कीते जाने चाहिए हन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।